नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुल बुल। दोस्तों आज का वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा और ये समझाऊंगा कि अगर आपका ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है तो क्या क्या रीजन हो सकता है और आप उसे कैसे जल्दी से जल्दी ट्रबल शूट करेंगे। इंडस्ट्री में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारा ब्रेकर लगे होते हैं लेकिन ब्रेकर का जो प्रॉब्लम आता है दोस्तों वो बहुत ही कम आता है, यानी एक साल दो साल में आपको एक ही कंप्लेंट मिलेगा ब्रेकर रिलेटेड। और जब इंडस्ट्री में कोई ब्रेकर रिलेटेड इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो टेक्नीशियन से लेकर इंजीनियर तक सारे परेशान हो जाते हैं कि कैसे इसको ट्रबल शूट करना है, कैसे इसको ठीक करना है। और ये हर एक इंडस्ट्री में ऐसा प्रॉब्लम रहता है दोस्तों, ब्रेकर का नॉलेज हर किसी के पास नहीं रहता है दोस्तों। बहुत ही कम टेक्नीशियन होंगे, बहुत ही कम इंजीनियर होंगे जिनको ब्रेकर के बारे में नॉलेज है दोस्तों। या मान लीजिए टू इनकमर एंड बॉस कपलर पैनल है, या इनकमर विद डीजी इनकमर का पैनल है, तो आपका टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों कि कैसे इसको जल्दी से जल्दी ट्रबल शूट करना है, क्या उसका इंटरलॉक्स होंगे। और उसका भी जो ड्राइंग रहता है दोस्तों, ड्राइंग आप देखेंगे तो ड्राइंग कई सारे पेजेस का रहता है, तो और भी ज़्यादा मुश्किल आपको ड्राइंग स्टडी करना भी मुश्किल हो जाता है। और फिर अगर आप अकेले होंगे तो आप पूरा घबरा जाते हैं कैसे इसको ठीक करना है क्या। तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगा, प्रोसीजर सिखाऊंगा कैसे आपको चेक करना है और क्या क्या रीजन हो सकता है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, मैंने इसी तरह का बहुत सारा वीडियो इसी चैनल में डाल रखा है, आप चाहें तो इस सारे वीडियो को देख सकते हैं। बहुत सारे ट्रबल शूटिंग वीडियो है, जैसा कि ट्रांसफॉर्मर, मोटर, ESP, VFD, PLC, यानी आपको इंडस्ट्री में जितना सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का आपको ट्रबल शूटिंग वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और तो दोस्तों अगर ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है तो सबसे पहले देखिए कि ब्रेकर इलेक्ट्रिकली क्लोज नहीं हो रहा है या मैकेनिकली क्लोज नहीं हो रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिकल क्लोजिंग क्या है, मैकेनिकली क्लोजिंग क्या है। दोस्तों आप जो TNC स्विच के थ्रू क्लोज करते हैं उसको आप मान लीजिए वो है इलेक्ट्रिकल क्लोजिंग, यानी अगर आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट सही रहेगा तो TNC स्विच के थ्रू ब्रेकर क्लोज होगा। तो मैकेनिकल क्लोजिंग क्या है, आपका जो पुश बटन रहता है दोस्तों, ब्रेकर का क्लोज पुश बटन, उसको अगर आप जबरदस्ती दबाएंगे तो उसी के थ्रू भी ब्रेकर क्लोज हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिकली क्लोज हो रहा है कि नहीं, उसके बाद देखिए मैकेनिकली क्लोज हो रहा है कि नहीं। अगर मैकेनिकली भी क्लोज नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए आपका जो ब्रेकर का मैकेनिज्म, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों आपको, आपको एक अच्छी तरीके से ब्रेकर का मेंटेनेंस कर लीजिए। ब्रेकर मेंटेनेंस कैसे करते हैं उसका भी बहुत सारा वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, ब्रेकर का इंटरनल पार्ट्स उसमें आपको दिखाई देंगे। तो ब्रेकर का मेंटेनेंस कर लीजिए, फिर दोबारा उसको मैकेनिकली क्लोज कीजिए। मैकेनिकली क्लोज हो रहा है मतलब आपका ब्रेकर का मैकेनिज्म सही हो गया, उसके बाद आपको देखना है इलेक्ट्रिकली क्लोज हो रहा है कि नहीं। TNC स्विच के थ्रू क्लोज कीजिए, अगर फिर भी क्लोज नहीं हो रहा है तो आपको क्या चेक करना है। सबसे पहले दोस्तों क्लोजिंग फ्यूज को चेक कीजिए, क्लोजिंग फ्यूज और उसका सप्लाई। ज़्यादातर ब्रेकर में हमारा 110 वोल्ट DC सप्लाई रहता है, तो उसी सप्लाई को चेक करें और क्लोजिंग फ्यूज को चेक कर लें। उसके बाद TNC स्विच एक रहता है, तो TNC स्विच को भी थोड़ा जांच लें मल्टीमीटर से, उसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं उसका कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं। उसके बाद और एक इंटरलॉक रहता है दोस्तों, उसका अगर स्प्रिंग चार्जिंग सही नहीं होगा तो भी ये सही तरीके से क्लोज नहीं होगा। तो उसके बाद देख लीजिए दोस्तों स्प्रिंग चार्जिंग मोटर वो सही काम कर रहा है कि नहीं, उसका कॉन्ट्रैक्टर सही है कि नहीं, ये तीनों आपको सबसे पहले चेक कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या देखना है दोस्तों, अगला काम है दोस्तों आपको ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर कोयल को आपको चेक करना है। इंडस्ट्री में ज़्यादातर पैनल में दो इनकमर एक बस कपलर रहता है, नहीं तो इनकमर एक DG सोर्स रहता है। अगर आपका बोर्ड में भी दो इनकमर एक बस कपलर या DG सोर्स रहता है तो आपको कुछ इंटरलॉक्स भी चेक करना पड़ेगा। तो इंटरलॉक्स को आप कैसे चेक करेंगे दोस्तों, इंटरलॉक्स को आपको चेक करने के लिए आपका दूसरा पैनल में भी आपको कॉन्ट्रैक्टर चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों अगर साइड वाला पैनल को आप चेक कर रहे हैं, अगर मान लीजिए इनकमर ब्रेकर का आपका क्लोज नहीं हो रहा है तो आपका बस कपलर पैनल में भी आपको चेक करना पड़ेगा और इनकमर टू में भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे दोस्तों, प्रोसीजर क्या है। ज़्यादातर ब्रेकर में क्या रहता है दोस्तों, उसका जो इंटरलॉकिंग सर्किट रहता है, यानी तीन इनकमर कभी भी एक साथ क्लोज नहीं होंगे, दो आपका हमेशा क्लोज रहेंगे, एक ब्रेकर हमेशा ट्रिप कंडीशन में रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या करें दोस्तों, अगर आपका लग रहा है कि इंटरलॉक का इशू है तो सबसे पहले दोस्तों
बाकी दो पैनल का ट्रिपिंग फ्यूज को निकाल दीजिए। दोस्तों ब्रेकर का ट्रबल शूटिंग करने के दौरान आपको मोटर का ट्रबल शूटिंग को दिमाग से निकाल देना है। मोटर में क्या रहता है दोस्तों, मोटर का ट्रबल शूटिंग आप करते हैं, पावर कॉन्टैक्टर, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ये सारे रहते हैं, तो उसमें क्या होता है आपका कंट्रोल सप्लाई अगर ऑफ हो जाएगा तो आपका कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट निकाल दीजिए। ब्रेकर का जो सिस्टम रहता है दोस्तों वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ब्रेकर तभी ऑफ होगा, ब्रेकर का ट्रिपिंग कॉइल को सप्लाई जाएगा तभी ब्रेकर ट्रिप होगा, नहीं तो मैकेनिकली अगर आप उसको ऑफ पुश बटन को दबाएंगे तभी ब्रेकर ऑफ होगा, यानी उसका जितना सारा फ्यूज है सारे फ्यूज को अगर आप निकाल देंगे तो ब्रेकर कभी भी ट्रिप नहीं होगा दोस्तों, ब्रेकर कभी भी ऑफ नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए ब्रेकर ट्रबल शूटिंग करने के दौरान। ब्रेकर पैनल में आप देखेंगे वहाँ पे 4-5 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर होंगे, वो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर क्लोजिंग का एक है, ट्रिपिंग, स्प्रिंग चार्जिंग, सर्विस पोजिशन, इंडिकेशन, ये सारे के लिए ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको हर एक को चेक करना है क्या क्या प्रॉब्लम रहते हैं दोस्तों। ज़्यादातर क्या होता है आपका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर में सप्लाई तो जाते हैं लेकिन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर पिकअप नहीं होता है, और कभी कभी पिकअप भी होता है तो उसका NONC चेंजओवर नहीं होता है दोस्तों। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स रहते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर में। तो आप मल्टीमीटर लीजिए, उसको चेक, उसका कॉन्टैक्टर कॉइल को चेक कीजिए, NONC को आप चेक कर सकते हैं। ये चेक हो जाने के बाद आपको मालूम हो जाएगी कौन सा वाला कॉन्टैक्टर खराब है, तो उसी कॉन्टैक्टर को आपको रिप्लेस करना है। लेकिन ध्यान से रिप्लेस करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको 110 वोल्ट DC का भी कॉन्टैक्टर मिलेगा और AC का भी आपको कॉन्टैक्टर मिलेगा। कॉन्टैक्टर रिप्लेस हो जाने के बाद और एक बार ब्रेकर को इलेक्ट्रिकली क्लोज करके देखिए, अगर फिर भी ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए जो ब्रेकर का क्लोजिंग कॉयल है, क्लोजिंग कॉयल खराब हो गया है, तो आपको क्लोजिंग कॉयल को रिप्लेस करना है। उसको भी आप मल्टीमीटर लेके चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो में आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा, ब्रेकर क्लोजिंग सर्किट के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल ट्रबल शूटिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बोल बुलबुल। नमस्कार।